रुख करेंगे भारत के उड़ीसा राज्य की तरफ, जहां आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर की सब कमेटी ने 202 करोड़ के बजट निर्धारित किया। इस साल के रथ यात्रा के लिए 11 करोड़ सेवायतों के कल्याण हेतु 5 करोड़ और उनके चिकित्सा खर्च के लिए 50 लाख का एक पैकेज श्री मंदिर के सब कमेटी ने प्रस्तुत किया। साल 2023 की रथ यात्रा से पूर्व स्थायी जमा राशि 1000 करोड़ करने के लिए उद्यम किया जाएगा और ऐसा श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार ने सूचना दी है। सब कमेटी की निष्पत्ति के अनुसार श्री मंदिर प्रशासन की ओर से 2 धर्मशाला निर्माण का काम अभी आखिरी चरण में है और एक भक्त निवास का निर्माण के लिए निष्पत्ति लिया जाएगा। मंदिर के उन्नयन प्रशासक के नेतृत्व में एक कमेटी के गठन किया गया। सेवायतों के गुरुकुल के लिए एक स्वतंत्र पैकेज हुआ है। श्री मंदिर की आर्थिक संकट की स्थिति से निपटने के लिए इसकी आय बढ़ाने हेतु उद्यम किया जाएगा। भक्तों से दान पाने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और विभिन्न गुरुत्वपूर्ण जगहों पर दान पेटी रखी जाएगी। खानों खदानों से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा आय संग्रह करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके से श्री मंदिर की वर्तमान स्थायी जमा राशि 650 करोड़ है और आने वाले साल 2023 की रथ यात्रा से पहले 1000 करोड़ बनाने का यह लक्ष्य है। R9 भारत के लिए विभुदत्त राय की रिपोर्ट, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान लोकनाथ मंदिर के पास आपकी सेवा में के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालु भक्तों को पीने के पानी बांटा और सेवा प्रदान करी। कोविड महामारी फैलने की आशंका से वहां इस साल मेला नहीं लग पाया, इसलिए आपकी सेवा में अनुष्ठान को इस साल सेवा करने का मौका मिला। पुरी के तहसीलदार रविंद्र प्रधान दीप जलाकर इस सेवा का अनुष्ठानिक रूप से उद्घाटन करते हुए नजर आया और इस अनुष्ठान के क्रम में कार्यकर्ताओं ने मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सेवा प्रदान करी। अनुष्ठान के कुछ कार्यकर्ता मंदिर के सफाई काम में भी लगे हुए थे और अनुष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र महापात्र, मनोज कुमार रथ, देवेंद्र महाराणा, विजय कृष्ण ब्रह्मा, कृष्णचंद्र मिश्र, शिव प्रसाद रथ, विभूति भूषण त्रिपाठी सहित काफी सारे लोग मौजूद रहे। एवं मंदिर परिसर को सफाई रो कार्यक्रम एवं ट्रैफिक कंट्रोल रो कार्यक्रम एगुड़ा केते गुड़े सेवा कार्य हाथ को नहीं कार्यक्रम को वर्तमान आम प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक स्थानीय तहसीलदार ताकि शुभारंभ कर गोटे आमको खुशी लगुच्चे शिवरात्रि उपलक्षे महाशिवरात्रि उपलक्षे आम भक्त मान सेवा करूँ कारण जो प्रकार खरार समय ये जलमंडन गोटे महासेवा कह पड़ो सेवा सका 9 अपराह 4 पर्यटन चलो 50 सेवक और सेविका मैंने जोग देते आम आशा करूँ आगामी दिन में आपण सेवे जो संस्था तार निश्चित भाव मैंने बांटुच जलबंटन कर शुद्ध पानी जल मिनेराल वाटर ही दूसरी कारण कोविड कटक दृष्टि रखी भल पा देवा आम लक्ष्य और डिस्पोजेबल ग्लास दि जाऊँगी मोर विश्वास लोक मैंने निश्चित भाव में R9 भारत के लिए संवाददात्री ऋतुपर्णा सेठी की रिपोर्ट, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा।